हेलो गाइस, स्वागत है स्टडी लूप में। तो शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन था जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डील कर चुके हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का जवाब हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसका जवाब हम अच्छे से ढूंढ चुके हैं, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अब दो क्वेश्चन नए हमारे पास आते हैं कि हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन, कितना इफेक्टिव है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम इन्हीं दो क्वेश्चनों के साथ डील करने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं, एक एक करके इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं अब हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कितना इफेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके रिस्पेक्ट में कुछ फैक्टर्स बताता हूँ जो डिसाइड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना सक्सेसफुल होगा, मतलब कितना इफेक्टिव होगा कितना नहीं। सबसे पहले मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो अस्तित्व में आया कैसे, मतलब बना कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन। और ब्रीफली समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाया किसने, और जिसने बनाया उसके हाथ में कितनी अथॉरिटी थी, कि मतलब उसने कुछ बनाया और हमने उसको मान भी लिया, उसने बुक में कुछ रूल्स लिख दिए हम उनको मान भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस बंदे के हाथ में कुछ अथॉरिटी रही होगी ना। तो क्या अथॉरिटी थी उस बंदे के हाथ में जो हम उसकी लिखी हुई बातों को इतना ज़्यादा मान रहे हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो होता क्या है ना कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिलिट्री के लीडर्स ने बनाया, ठीक है, मिलिट्री के लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, या फिर कुछ ऐसे लीडर्स ने बनाया जो पॉपुलर नहीं है लोगों के नज़रों में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया है वो डिफंक्ट रह जाता है, मतलब अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म कर नहीं पाता। क्योंकि लोग जब लीडर को ही नहीं मानते हैं तो उसके लिखे हुए किसी रूल्स को वो क्यों मानेंगे, सही बात है ना। तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रह जाता है। लेकिन सक्सेसफुल कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि हमारा महान देश भारत, हमारे यहाँ पे ऐसी पंगे नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी मान्यता दी जाती है, लोग पूरे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया था हमारा जो नेशनल स्ट्रगल था उसके आफ्टर मैथ से, उससे इंस्पायर होके बनाया गया था। थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में ब्रीफली। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1946 दिसंबर और नवंबर 1949 के बीच में इसको बनाया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही वो अथॉरिटी थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब इस अथॉरिटी को हम मान्यता क्यों दे रहे हैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि इस अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त इंस्पिरेशन ली थी नेशनलिस्ट मूवमेंट से, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, और ये जो नाता था इनका जुड़ा हुआ नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ, ये जो इंस्पिरेशन थी, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनॉर्मस लेजिटिमेसी देती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लेजिटिमेट घोषित करती है। कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी का एक रीज़न ये भी है कि ये जो है बनाया गया था उन लोगों द्वारा जिनके अंदर कैपेसिटी थी नेगोशिएट और रिस्पेक्ट करने की हमारी पूरी सोसाइटी की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को, और ये लोग इमेंस क्रेडिबिलिटी को इंजॉय करते थे पब्लिक के अंदर, मतलब लोग इनकी बात सुनते थे, इन्हें फॉलो करते थे, इनको अपना आइडल मानते थे। कई कंट्रीज़ में देखो होता क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सब्जेक्ट कर दिया जाता है पब्लिक रेफरेंडम के लिए, मतलब लोगों से वोट मांग लिया जाता है कि इस लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में डालें कि ना डालें, इस रेगुलेशन को हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालें कि ना डालें, पूछ लिया जाता है। लेकिन हमारी कंट्री के साथ ऐसा केस नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, रेफरेंडम पॉसिबल था ही नहीं हर किसी से जा के पूछना घर, ठीक है ना, बहुत बेतुकी बात लगती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया था पॉपुलर लीडर्स द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके जैसे बड़े बड़े और पॉपुलर स्कॉलर्स लीडर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, और यहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमेसी मिलती है, अथॉरिटी मिलती है अपनी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेस है इसकी लेजिटिमेसी है, और जो इसकी इफेक्टिवनेस है और जो इसकी अथॉरिटी है उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है उन लोगों को जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उन बड़े लीडर्स को जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, इसको मान्यता दी है और इसको इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करी है। ये तो होगी बात मोड ऑफ प्रोमुलगेशन की। अब देखो तुम बाज़ार में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, सोना चांदी वगैरह, तो हर किसी चीज़ के ऊपर एक हॉलमार्क लगा होता है ना। हॉलमार्क क्या निशानी देता है कि ये चीज़ कितनी असली है कितनी नकली है, वो हमें पता चलता है ना हॉलमार्क से। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ ऐसी निशानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखते ही हम पहचान जाए कि कितना सक्सेसफुल है ये कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ऐसी निशानी होती है। एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की निशानी यही है कि वो हर किसी को, सोसाइटी के एक एक इंसान को एक रीज़न दे कि वो उसके रूल्स को, उसके बनाए गए रेगुलेशंस को फॉलो करे। अरे यार, थोड़ा ब्रीफली समझो इस बात को भी। देखो क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है मान लो किसी भी देश का, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इमेंस पावर दे देता है मेजॉरिटी को, मेजॉरिटी को जो मन में आए वो करने की पावर दे देता है।
तो जब उसने सारी पावर दे ही सिर्फ मेजोरिटी को दी तो माइनॉरिटी के पास तो कोई रीज़न नहीं हुआ ना उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का। जब आपको पता है एक चीज़ आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है तो भी आप उस चीज़ को मान्यता क्यों दोगे, ठीक है ना, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता क्यों दोगे जो आपकी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है पूरी तरह से। वो जो हमारा क्वेश्चन था ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट और नॉट, उसका जवाब भी यहीं से मिल जाता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप से परफेक्टली जस्टिस को जस्टिफाई नहीं कर देता, ठीक है, वो जस्टिस को परफेक्टली अचीव नहीं कर पाता अपने आप से ही कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन। उसे कन्विंस करना होगा लोगों को कि जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो उसका फ्रेमवर्क है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए है, वो पूरी तरह से जस्टिस को फॉलो करता है। ये चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को कन्विंस करना होगा। आखिर में यार सो बात की एक बात, जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आज़ादी को, लोगों की इक्वालिटी को बचा के रखेगा उतना ज़्यादा लोग उसको मानेंगे। जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा किसी चीज़ से, आप उस चीज़ को उतना ही ज़्यादा फॉलो करोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना होगा, उनको फ्रीडम और इक्वालिटी देनी होगी अगर उसे सक्सेसफुल बनना है। अगला फैक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस को जस्टिफाई करता है वो है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जिनको लोग नहीं, आम लोग कंट्रोल नहीं करते, उसे कुछ लोगों का ग्रुप जो है कंट्रोल करके रखता है और वो लोग उसे पूरी तरह से सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने में ही इस्तेमाल करते हैं। वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को डेथ नोट की बुक मान बैठते हैं, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ भी उसके अंदर करते जाएंगे, फेरबदल, कुछ भी अमेंडमेंट्स उसके अंदर करते जाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होनी चाहिए कि कोई भी अपनी मुट्ठी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की एनॉर्मस पावर को बंद करके ना रख सके और अपने फ़ायदे के लिए तो यूज़ बिल्कुल ना कर सके। हमारे महान देश भारत में इसका भी सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की स्कीम को यूज़ किया जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पता ही होगा अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड आपका एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या होते हैं ये डिस्कस नहीं करेंगे, नॉमी का टॉपिक है। और इसके अलावा साथ ही साथ कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं जैसे कि ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। किसी एक ने गलती करी तो दूसरा पकड़ लेगा, लेजिस्लेटिव ने गलती करी एग्जीक्यूटिव पकड़ लेगा, एग्जीक्यूटिव ने गलती करी जुडिशरी पकड़ लेगी। मतलब पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, बैलेंस करके अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर को। इसके अलावा जो दूसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे यहाँ पे खासियत है वो ये है बैलेंस्ड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा रिजिड भी नहीं है कि समय के हिसाब से अपने आप को चेंज ना कर पाए। अगर चेंज नहीं कर पाएगा तो वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उसका। और इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि किसी एक बंदा उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। थोड़ा और ब्रीफली समझो इस बात को। देखो क्या होता है कि हर चीज़ को समय के हिसाब से बदलना पड़ता है, ये मानते हो ना तुम, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी समय के हिसाब से बदलना चाहिए। तो मान लो जैसे कि IT इंडस्ट्री आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मान्यता है उसकी सोसाइटी के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर नहीं थी इस इंडस्ट्री की इतनी ज़्यादा नेसेसिटी। तो उस टाइम पे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस ऑब्वियसली नहीं डाले होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन अब डाले जाना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपकी प्राइवेसी को लेके, ठीक है, आपके डेटा की प्राइवेसी को लेके। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं होना चाहिए ताकि उसे टाइम टू टाइम चेंज किया भी जा सके, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी ना हो कि उसे कभी भी कोई भी चेंज कर दे आके, ठीक है, क्योंकि उससे भी दिक्कत ही होगी कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा रहा है और हो सकता है कि कोई बंदा सिर्फ अपनी पावर को इनहेंस करने के लिए उसे बार बार चेंज कर रहा है, उसे अमेंड कर रहा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैलेंस्ड है, वो ना तो इतना ज़्यादा रिजिड है ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, दोनों का अच्छा खासा ब्लेंड है। तो बस यारो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी। धन्यवाद, अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।